एवरीवन, वेलकम टू वुमनिया। स्वागत है आप सभी का वुमनिया पे। और आज का जो टॉपिक है वो है चाइना में प्रोटेस्ट। जी हाँ, यूएसए की नैंसी पेलोसी भारत आ चुकी हैं और चाइना में प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं। अब आप बोलेंगे, मैम यूएसए की नैंसी पेलोसी भारत में आई है तो चाइना में प्रोटेस्ट क्यों शुरू हो गए हैं? तो आइए इस पूरे मुद्दे को जानते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और भर भर के शेयर करिए। सबसे पहली बात अगर बताएं तो नैंसी पेलोसी है कौन? दरअसल फॉर्मर यूएसए हाउस स्पीकर जो है उनका नाम है नैंसी पेलोसी। यूएसए की पॉलिटिक्स में एक जाना माना नाम, यूएसए की पॉलिटिक्स में एक ताकतवर पर्सन कह सकते हैं नैंसी पेलोसी, यानी कि इनकी आवाज जो है यूएसए की पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा बुलंद आवाज है। अब बात करें यहाँ पे ये कहाँ पर आई है भारत में, तो धर्मशाला जो कि उत्तराखंड में है वहां पे ये आ चुकी हैं। शी हैज ऑलरेडी अराइव्ड और दलाई लामा के साथ जो है इनकी मीटिंग भी एकदम फिक्स हो गई है। हालांकि मीटिंग इनकी हो भी गई है। देन अब बात है मैम मुद्दा किस बात का है? मुद्दा यहाँ पे तिब्बत का है। दरअसल चाइना जो है वो क्लेम करता है कि तिब्बत कुल मिला के चाइना की टेरिटरी है। और यहां तक भी सच है कि चाइना मानता ही नहीं है कि तिब्बत जो है एक सेपरेट कंट्री है या उसे सेपरेट कंट्री का दर्जा मिलना चाहिए। तो तिब्बत मानता, चाइना मानता है कि तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है या कुल मिला के चाइना ही जो है ओवरऑल तिब्बत रीजन पे कुल मिला के जो पूरा तिब्बत है वो चाइना का ही पार्ट है। बट यूएसए का ये मानना है कि ऐसा नहीं है। और जो यूएसए की नैंसी पेलोसी है इसी बात को डिस्कस करने के लिए आ गई है भारत में। धर्मशाला में जो मीटिंग है दलाई लामा के साथ वो चल रही है। दरअसल बात यह है कि यूएसए एक बिल पास कर रहा है जिस बिल का नाम है तिब्बत चाइना डिस्प्यूट बिल। अब इस बिल में ऐसा क्या है और किस मुद्दे पर यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है? तो इसी मुद्दे पर डिस्कशन होने वाला है कि क्या तिब्बत चाइना का पार्ट है या नहीं। और चाइना यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चाइना है वो ताइवान को अपना पार्ट कंसिडर करता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ऑलरेडी पार्ट है। तो ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाइना को भूल जाना चाहिए ताइवान को और फिलहाल तिब्बत पे फोकस करना चाहिए। जिस हिसाब से यूएसए यहाँ पे एक्टिवली इस पूरे मुद्दे को देख रहा है, जिस हिसाब से यूएसए यहाँ पे एक्टिवली इस पूरे मुद्दे को समझ रहा है, तो सिचुएशन जो है आप कह सकते हैं कि वर्स हो सकती है। यानी चाइना में एक लंबी प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे चल सकती है। दरअसल जो बाइडन की सरकार है यहाँ पे एक बिल पास करने वाली है जिसका नाम, जिसको पॉपुलरली कहा गया है तिब्बत बिल। इस बिल में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे ये साफ तौर पे क्लियर हो जाएगा कि तिब्बत जो है तिब्बत को एक अलग कंट्री के तौर पे देखा जाएगा, चाइना का पार्ट नहीं देखा जाएगा। और ये बात जो है वो चाइना को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसीलिए चाइना ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बाइडन की सरकार को और जो बाइडन को की कृपया करके वो उस बिल को जो है साइन ना करें, क्योंकि उस बिल को साइन करने का मतलब होगा चाइना से कहीं ना कहीं बैर लेना, चाइना से कहीं ना कहीं दुश्मनी लेना। अब बात है चाइना जो है यहाँ पे ट्राई करता है और मानता भी है कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है और कुल मिला के चाइना की सरकार ही तिब्बत की सरकार है और तिब्बत को अलग कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बट और चाइना ऑफिशियली क्लेम भी करता है कि जो दलाई लामा है वो कोई रिलीजियस लीडर नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लीडर है जो कुल मिला के एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स को फर्दर बढ़ाता है। और यहाँ पे यूएसए जो है वो भी इस बात को आप कह सकते हो तिब्बत के जो पूरा है तिब्बत को एक अलग कंट्री घोषित करने में लगा हुआ है और इसीलिए बिल जो है वो पास करने की बिल्कुल तादाद पे है। और नैंसी पेलोसी उसी बिल के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए पहुंच चुकी है धर्मशाला उत्तराखंड भारत। अब बात है भारत गवर्नमेंट क्या इस मैटर में इन्वॉल्व है? तो देखिए एज फार एज अभी अगर हम बोले तो भारत सरकार इस सभी मुद्दे से बिल्कुल बाहर है। यानी हाल फिलहाल में तो भारत सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पूरे मुद्दे को लेकर, ठीक है। अब बात है कि क्या ये सही नीति है भारत की? तो हाँ जी बिल्कुल सही नीति है। देखिए चाइना का, यूएसए का, तिब्बत का ये जो मैटर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और आज का मैटर नहीं है, बहुत पुराना मैटर है। और इंडिया जो है यहाँ पे बैलेंस कर रहा है क्योंकि चाइना भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ जो यूएसए है वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। तो ये जो बैलेंस रणनीति है इंडिया की भारत की ये बिल्कुल सही रणनीति है। बट देखना होगा कि किस तरीके से आगे पूरा मुद्दा चलता है। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड साथ साथ भर भर के शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।